आदाब। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको चिकन पराठा बनाना सिखाएंगे। बहुत ही लजीज होते हैं। मैं एक ही फिलिंग से आपको तीन तरह के चीज़ें बनाना सिखाऊंगी, चिकन का पराठा, सैंडविच और रोल। तो तीनों ही चीज़ें हम एक ही फिलिंग से तैयार करेंगे। तो चलिए इसको फटाफट तैयार कर लेते हैं और मैं दिखा देती हूँ मैंने चिकन की फिलिंग के लिए क्या क्या लिया है। चिकन पराठे के लिए जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, देखिए, मैंने बोनलेस चिकन लिया है जिसके छोटे छोटे पीसीज हैं और 250 ग्राम है ये। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून फुल, इसको मैं डाल देती हूँ। और मसालों में ऑरिगेनो 1/2 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, काली मिर्च है ये 3/4 टीस्पून, और नमक अपने जायके के हिसाब से डाल दीजिएगा। ये सारी चीज़ें इसमें मैं डाल देती हूँ। और ये 1/2 लेमन है, इसको भी मैं डाल देती हूँ। इसके बीज निकाल लेंगे और अब इसको मिक्स कर लेते हैं बहुत अच्छे से, ताकि सारे मसाले इवनली सारे पीसेस में कोट हो जाएं। और इसको आधे से 1 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं। अब मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ 1 घंटे के लिए, फिर मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। चिकन की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने पैन रखा है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1 टीस्पून के आसपास मैंने इसमें ऑयल डाला है। ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, अदरवाइज पराठे बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। मैं ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसमें कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें ये चिकन के सारे पीसेस में डाल देती हूँ। थोड़ा इसको हमें पका लेना होगा, तो पहले इसको गलाएंगे, उसके बाद इसका श्रेड करेंगे, कीमे की तरह इसको कर लेंगे। लेकिन अभी 3-4 मिनट इसको मैं ढक के पकाऊंगी ताकि अच्छे से गल जाए। जो पानी छोड़ेगा ये, उसी में ये गल जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें पानी भी डालना होगा। 1 चम्मच मैंने इसमें पानी डाल दिया है क्योंकि इसमें मसाला लगा हुआ था, तो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ। और अब मैं इसको ढक के रख दूंगी गलाने के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। मैं ढक रही हूँ, मैं आपको 3 से 4 मिनट में दिखाती हूँ, क्योंकि पीसेस बहुत छोटे छोटे हैं तो बहुत जल्दी ये गल जाएगा। 5 मिनट मैंने छोड़ दिया था, आप देख सकते हैं इसका पानी लगभग सूख गया है और ये चिकन गल भी गया है। ऐसे अगर इससे हम स्पैटुला से ये जिसको तोड़ेंगे तो आराम से ये टूट जा रहा है। देखिए, लो टू मीडियम थी, अब मैंने लो कर दिया है। अब मैंने ये फोक ले लिया है, तो इसकी मदद से हम इसके हम इससे शेड कर लेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। आप देखिए कितनी आसानी से हो जा रहा है। पूरा मैं इसी तरह से कर लूंगी और साथ साथ इसमें पकता भी रहेगा। ये 2 से 3 मिनट और लगेंगे बस पानी सूखने में। आप देख सकते हैं पूरा ये शेड हो गया है बहुत अच्छे से, पानी भी लगभग सूख गया है। 2 मिनट इसको मैं पकाऊंगी फुल फ्लेम पे और इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। फिर मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ कि आगे पराठा किस तरह बनाना है, इसके और बाकी क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। अब मैं दिखा देती हूँ कि ये ठंडा हो चुका है। 7-8 मिनट मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। मैंने हैलापीनोज लिए, ये मैंने चीज़ लिए है, इसको ग्रेट कर लिया है। आटा मैंने गूंद के पहले से रखा हुआ था, जैसे कि नॉर्मल आप आटा गूंदते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। इसमें कुछ खास वो नहीं है, इसमें आप नमक डाल के आप उसको गूंद लीजिएगा। ये मैंने आटा ले लिया है, बना लेंगे जितने के आपको पराठे तैयार करने हो उसके आप लोई तैयार कर लीजिए। जैसे आप पराठा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना है। तो लोई मैंने ये तैयार कर ली है, इस तरह से मैं और तैयार कर लेती हूँ। हल्का हल्का आटा लगा के मैंने इसको, सूखा आटा लगाया है, और इस तरह से आप इसको पहले हाथ से थोड़ा सा किनारों से पतला कर लें। बीच में थोड़ा मोटा रहेगा, किनारों पे थोड़ा पतला रहेगा। और इसको थोड़ा सा बेल लेते हैं। यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम पड़ रही है क्योंकि सामान ज़्यादा रखा हुआ है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे। तो इसको मैंने बड़ा कर लिया, किनारों को थोड़ा सा हाथ से ही इसको आप ऐसे पतला कर लीजिए। बीच में थोड़ा पतला मोटा रहना चाहिए। इसमें फिलिंग डालते हैं। अब इसके ऊपर मैं हेलोपिनोज डाल देती हूँ। और ये चीज डाल देती हूँ। अच्छा खासा इसमें चीज डालिएगा आप। अब धीरे धीरे इसके किनारों को पकड़ के आप इस तरह से पहले इसको पकड़ लीजिए बीच में से और हाथ में ले लीजिए, और इस तरह से पकड़ते हुए किनारों को बंद कर दीजिए।
तैयार हो गया है, अब दूसरा भी मैं इस तरह से तैयार कर लूंगी। तो पराठे को रोल कर लेते हैं, हल्का हल्का सा मैंने आटा डाला है, हाथ से पहले दबा लीजिए क्योंकि इसमें चिकन है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से हल्के हाथों से दबा के इसको करना होगा। तो पहले ऐसे ही इसको हम कर लेते हैं, हाथ से ही बड़ा कर लेते हैं। ये पराठा थोड़ा मोटा ही रहता है, इसमें पतला नहीं बनेगा। अब हल्के हाथ से इसको बेल लेते हैं। बहुत ही लजीज पराठा होता है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आप ये फिलिंग 1 से 2 हफ्ते आराम से फ्रिज में रख सकती हैं। पराठे को सेक लेते हैं, हवा गर्म हो गया है, अब इसको मैं डाल देती हूँ। अब इसको पलट देते हैं और इसको घी से सेक लेंगे, इसके किनारों पे घी डालेंगे। घी की भी मैंने 2 रेसिपीज डाली हुई हैं, 2 तरीके से घी बना के डाला है, आप वो भी देख सकते हैं। ये मेरा होममेड घी है। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे पराठा बनाइएगा। दूसरी साइड से सेक लेते हैं और इसमें पराठा पे इस तरफ से घी डाल देंगे। अब इसको पलट देते हैं, इस साइड से भी सेक लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा पराठा तैयार हो गया, हल्के हल्के ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं। इससे ज़्यादा ब्राउन स्पॉट्स आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो अब इसको मैं हटा देती हूँ और हम दूसरा भी इसी तरह से सेक लेंगे। ये अपने आप में कंप्लीट है, इसके साथ वैसे किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, कोई चटनी कोई सॉस की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इसको चटनी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। आप बनाइएगा जरूर, फीडबैक दीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आप इस तरह की फिलिंग हमेशा तैयार करके घर में रखे रह सकते हैं, फ्रिज में आराम से 1 हफ्ता चल जाएगा विंटर्स में तो, और फ्रीजर में आप रखेंगे तो 2 से 3 हफ्ते भी चल जाएगा। तो अच्छे से हो गया, इसको मैं निकाल लेती हूँ। अब दूसरा भी इसी तरह सेक लेंगे। मैं घी थोड़ा कम ही डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं कि कम ही घी का बनाइए, ज़्यादा मत डालिए। तो आप अपने हिसाब से घी तेल जो भी आप चाहें आप यूज़ कर। जबरदस्त है, हमारे चिकन पराठा बिल्कुल तैयार है, आपको खोल कर दिखा देती हूँ। देखिए कितनी जबरदस्त फीलिंग है और कितना अच्छा लग रहा है। हैलोपीनोज है, उसी में चिकन है, उसी में चीज है। आप इसको बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा और घर में सब लोगों को पसंद आएगा। जब कभी आपको हल्का फुल्का बनाना हो तो आप इस तरह से फीलिंग तैयार करके पराठे तैयार कर सकते हैं, रात में दिन में कभी भी, नाश्ते में भी अच्छे लगेंगे। जो दूसरा हम तैयार करेंगे वो सैंडविच है, चिकन फिलिंग से, उसी सेम फिलिंग से हम सैंडविच तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये हंग कर्ड ले लिया है, इसको मैंने छलनी में रख दिया था दही को, और ये नीचे जो इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो नीचे आ गया। इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। इसको हम, ये हमारा हंग कर्ड हो गया, तो उसको एक मैं बोल में निकाल लेती हूँ। तो इसके लिए पहले हम इस सैंडविच के लिए पहले एक डिप तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो गया है, ये हमें ये कंसिस्टेंसी चाहिए जिसमें बिल्कुल भी पानी ना हो। बाकी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। 1/2 टीस्पून मैंने लहसुन पाउडर लिया है, अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप क्रश करके लहसुन को डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं, नमक आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, वैसे ही 1/4 है ये। ऑरेगैनो है, या आपके पास थाइम हो या इटालियन सीजनिंग हो, जो भी आपके पास हो वो डाल लीजिएगा, ये भी 1/4 टीस्पून है, और काली मिर्च भी 1/4 टीस्पून। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। और ये थोड़ा सा मैंने ये हेलापिनोज लिए हैं जो मैंने घर में तैयार किए हुए हैं, आप भी ये घर में तैयार करके रखें, इसका मैंने वीडियो डाला हुआ है। सर्दी में बहुत अच्छे हेलापिनोज आते हैं, तो आप इसको तैयार करके रखें, बहुत सस्ते भी आ रहे हैं आजकल। तो बेस्ट है कि आप इसको पिज्जाज में और जितने भी इटालियन खाने होते हैं उनमें डालने के लिए, या फिर इंडियन खानों में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इसमें मैं ये मस्टर्ड सॉस डालूंगी थोड़ी सी, तो 1 टीस्पून के आसपास मैंने मस्टर्ड सॉस डाली है इसमें। इसमें से मैं कुछ हेलापिनोज ले लेती हूँ, इन इसमें का जो सिरप है वो नहीं लेंगे, बस हेलापिनोज लेके इसे मिक्स कर देंगे।
ये हमारी यहाँ डिप तैयार है, सब सैंडविच तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो उसमें मेयोनीज भी डाल सकते हैं, और ये आप सैंडविच के बगैर, आप सैंडविच में अगर नहीं तैयार करना चाहते हैं तो आप उसको बंस में ही बना सकते हैं, जिसके हम बर्गर तैयार करते हैं, तो दोनों में ही आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो उसको मैं ब्रेड में तैयार करूंगी। तो सबसे पहले इसमें मैं चीज स्लाइस लगाऊंगी। अब इसके ऊपर हम ये चिकन की फिलिंग डाल देंगे। चिकन की फिलिंग लग गई है, अब इस पे मैं ये अनियन रिंग्स डाल देती हूँ। इसमें डिप डाल देते हैं जो मैंने बनाई है। आप इसमें चाहें तो टोमेटो भी डाल सकते हैं। ये लेट्यूस स्लीव लगा दे, सलाद का पत्ता जिसको हम बोलते हैं। ऊपर से ब्रेड का पीस लगा देते हैं। अब इनको हम पैन पे सेक लेंगे, या इसको ग्रिल पैन पे आप सेक लीजिए, या ओवन में सेक लीजिए, जैसे आपको सहूलत हो। तो मैं इसको इस पे आपको पैन थोड़ा में सा मैं करके घी लगा दिखाती हूँ। लेती हूँ, आप बटर भी लगा सकते हैं। जितनी दूर पे हमें स्लाइसेस रखने हैं उतनी दूर पे बस मैं घी लगा रही हूँ। इसको हाथ से थोड़ा सा दबा दीजिए, हल्के हाथ से, और इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सा घी लगा देंगे। एक साइड को सिकने में 1.5 से 2 मिनट लगेगा। बहुत अच्छे से ये सिक गया है। अब बड़े स्पैटुला से इसको पकड़ के इसको हम पलट देते हैं, एक हाथ से इधर से पकड़ के। और देखिए कितना अच्छा सिक गया है। तो दोनों साइड से इस तरह से हम सेक लेंगे, और मैं आपको उसको सर्व करके दिखाती हूँ कि किस तरह से इसको सर्व करना है। चिकन चीज सैंडविच बिल्कुल तैयार है, आप इसको घर में बनाइएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब हम तीसरी रेसिपी को तैयार कर लेते हैं इसी सेम फिलिंग से। जो तीसरी हमारी रेसिपी है वो है चिकन रोल, तो वो हम इससे बनाएंगे। वही हमारा जो वही सेम फिलिंग है, सेम डिप है। अब इसमें हम क्या यूज करेंगे, क्यूकम्बर जो विनेगर में हमने भिगो के रखे हुए हैं। तो अभी रेसिपी अगर आप कहेंगे तो मैं बना के डाल दूंगी। और कुछ हैलापिनोज यूज करेंगे दोबारा से हम, ये इसको भी मैंने रेसिपी डाली हुई है, आप देख सकते हैं, इस मौसम में बहुत अच्छा रहेगा। और ये मैंने आटा गूंद के पहले से रखा हुआ है। ये गेहूं का आटा है, बाजरा है इसमें, मकई का आटा है, और थोड़ा सा बेसन है। ये चार आटों को मिलाकर मैंने आटा गूंदा है, जिसमें मैंने कसूरी मेथी डाली हुई है, या आप जो फ्रेश मेथी आ रही है वो डाल सकते हैं। कुटा हुआ लाल मिर्च डाला है, काली मिर्च डाली, और नमक डाला। तो बहुत ही अच्छे जायकेदार ये रोटी तैयार होती है। आप नॉर्मल रोटी के जो आटा गूंदते हैं आप उससे भी इस रोल को तैयार कर सकते हैं, आप टॉर्टिला भी ले सकते हैं। तो मैंने ये, क्योंकि मैं घर में हमेशा बना के रखे रहती हूँ, तो इसलिए मैं इसी से अब तैयार कर रही हूँ। मैं आपको दो रोल बना के दिखाती हूँ, नॉर्मल रोटी जैसे बनानी है बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनानी है। तो ये दो रोटियां मैंने तैयार कर ली हैं, आप देख सकते हैं हमारी ये मल्टीग्रेन की रोटी तैयार हो गई, जिसमें कुछ मसाले भी हैं, स्पाइसेस भी हैं। तो आप अगर कहेंगे तो मैं इसका भी वीडियो बना के डाल दूंगी। तो इसमें सबसे पहले हम ये चिकन डाल देते हैं। इसमें डिप डाल देते हैं ये। और इसमें ये दोनों चीज़ डाल देते हैं। ये मैं इसमें कुकम्बर लगा देती हूँ उसमें से निकाल के। अगर आप चाहें तो हैलापिनोज मिस स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने डिप में भी हैलापिनोज डाले हुए हैं। तो बस मैं एक एक इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे डिप में तो है ही। अब इसको हम रोल कर देते हैं। तो ये हमारा बढ़िया सा रोल तैयार हो गया है। आप इसमें चाहे तो सैलेड लीफ भी डाल सकते हैं। तो ये हमारे चिकन रोल बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप इसको पराठे में बना के दे सकते हैं, नॉर्मल रोटी में बना के दे सकते हैं, आप इसमें टॉर्टिला में भी बना के दे सकते हैं, जैसे मर्जी चाहे आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप ये सैलेड लीफ अंदर भी रख सकते हैं, तो आप अपना इनोवेशन, अपना क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। इसमें अपने हिसाब से चटनी भी लगा सकते हैं, अगर इस तरह की डिप नहीं है तो आप चटनी भी लगा सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये तरीका और रेसिपी पसंद आए तो नीचे लाइक बटन जरूर दबाइएगा। अगर आप लाइक्स देते हो, कमेंट्स देते हैं, उससे ये होता है कि आगे आने वाले जो लोग होते हैं और देखते हैं
कि इस वीडियो पे बहुत लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं, तो वो भी उसको देखना पसंद करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे को आप लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर दिया करें। अगली बार मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, देखते रहिए शैलाज दस्तरखान।